घोड़ा बने, मैं आपके ऊपर बैठकर सैर करूंगा। पापा घोड़ा बने ना। फिर कुकू अपने पापा के ऊपर बैठ जाता है। आप भी बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते हैं। कालू ये डंडा लेके जाओ और चुप कराओ उन्हें। मैं कब से जाग रही हूँ? मैंने कल भी चिड़िया को बताया था कि उनकी आवाज हमें सोने नहीं देती, पर वो समझते ही नहीं। फिर कालू कौवा अपने घर से डंडा उठाकर निकलता है और चिड़िया के घर के पास जाकर जोर जोर से डंडा चिड़िया के घर के दरवाजे पे मारता है। लो निकलो जल्दी बाहर, तुम्हें कितना बार समझाया है कि रात को शोर ना किया करो। ये कौन है? आप रुके, मैं देखती हूँ। कालू भैया आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा अगर इतने ऊंची आवाज में मुझसे बात की तो। फिर पापा चिड़िया भी घर से बाहर निकलता है। हम अपने घर में कुछ भी करें उससे तुम्हें क्या, आप घर चले, घर चलिए आप। मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया को घर भेज देती है। ठीक है कौवा भैया, आप जाएं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। फिर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आरा भी है उन्हें कि ऐसे ही अपना गुस्सा दिखा के आ गए हो। चिड़िया ने अपने पति को घर भेज दिया था, मैं तो एक डंडा लगाने वाला था, बच गया वो। अब अगर दोबारा उन्होंने ऐसा किया तो छोड़ना नहीं उन्हें। दूसरे दिन चिड़िया अपने पति से कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चे के वजह से। मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है और वो कौवे बहुत गुस्से वाले, मुझे बहुत डर लगता है। आप ऐसे ही डरा ना किया करें। कुछ नहीं होगा, कुकू के पापा क्यों ना ये घर बेचकर हम कहीं और चले जाएं, जहाँ ये कौवे ना हो। क्या उन कौओं से डरते हुए हम घर बेच देंगे? मुझे बहुत डर लगता है। शाम को मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने घर को लौट जाते हैं। कुकू अपने घर के बाहर बैठकर बहुत रो रहा था। क्या हुआ मेरे बच्चे, आप क्यों रो रहे हो? मम्मा मम्मा, मैं खेल रहा था और गोरी आंटी ने मुझे एक झापड़ मारा। मैंने कहा था ना, ऐसे पड़ोसियों से मुझे बहुत डर लगता है, हम घर बेचकर कहीं और चले जाते हैं। वो बहुत जालिम है। मैं अभी पूछता हूँ गोरी से। फिर चिड़िया पापा गोरी कवि के पास पूछने चला जाता है। क्या बात है, मेरा दरवाजा क्यों पीट रहे हो? तुमने मेरे बेटे कुकू को क्यों मारा? मैंने उसे बहुत बार मना किया है कि वो पत्ते पेड़ से तोड़ के ना फेंके, हवा से वो पत्ते मेरे घर में उड़ उड़ के आ जाते हैं। तो ये कोई वजह है बच्चे को मारने की? आप प्यार से भी तो समझा सकती थी। इतने में कालू कौवा आ जाता है। क्या बात है, ये लड़ने आया है हमसे, कहता है मेरे बच्चे को तुमने क्यों मारा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी पत्नी से लड़ो? ऐसा कहते हुए कालू कौवा पापा चिड़िया को मारने लग जाता है। ये देखकर मम्मी चिड़िया भागी भागी जाती है। छोड़ दे मेरे पति को, छोड़ दे जालिमो, हम आपके पड़ोसी हैं, हमें इतना कष्ट क्यों देते हो? कुकू कहाँ है? वो घर में ही है। बड़ा आया हमसे लड़ाई करने वाला। मम्मा और पापा चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। ये प्यार से नहीं समझने वाला, मुझे डंडा भी चलाने आता है। ठीक ही कहती हो, हम ये घर बेच के चले जाएंगे, हमारा बच्चा यहाँ सुरक्षित नहीं है, हम रोज रोज कितना कौओं से लड़ेंगे। फिर मम्मा चिड़िया
दूसरे दिन एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक चील आ जाती है। डरो नहीं, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। क्या तुम्हारे नज़र में कोई घर है? थोड़ा सोचने के बाद मम्मा चिड़िया कहती है, हाँ चील दी, मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ। तो आप मुझे दिखा दे वो घर। फिर चिड़िया चील को अपना घर दिखाने के लिए साथ लेके जाती है। घर तो ठीक है, नया बना हुआ है। चिड़िया, आप इस घर को क्यों बेच रही हो? चील दी, हमारे पड़ोसी बहुत ही जालिम हैं। हमेशा लड़ाई करते हैं मुझसे। कौन रहता है तुम्हारे पड़ोस में? कौए हैं। पापा चिड़िया और कुकू भी आ जाते हैं। तो मैं शाम में आ जाऊंगी, पैसे और अपना सामान लेकर। नहीं चील दी, आप कल सुबह आना, क्योंकि हमें अपने लिए घर भी लेना है। फिर चील वहाँ से चली जाती है। मैंने ये घर चील दीदी को बेच दिया है। बहुत अच्छा किया। अब पता चलेगा उन कौओं को कि कैसे लड़ाई करते हैं अपने पड़ोसियों से। फिर दूसरे दिन चील अपना सामान लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। चिड़िया और उसका पति और उसका बेटा भी अपना सामान लेकर बाहर बैठे हुए थे। वो चील से अपने घर की कीमत लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चील अपना सामान घर में रखती है। तो अच्छा मिल गया है, थोड़ा म्यूजिक भी सुन लेती हूँ। चील तेज आवाज में म्यूजिक भी लगा लेती है। चिड़ियों का परिवार भी दूसरे जंगल में एक अच्छा घर खरीद लेता है। बहुत अच्छा है ये घर, अच्छे से देख लो, पिछले महीने ही बनवाई है। बहुत अच्छा है, नदी भी पास है। चिड़ियों का परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उनकी जान उन कौओं से छूट गई थी। कालू, ये चिड़िया को क्या हुआ है? अभी तो दोपहर में इतनी तेज आवाज़ में म्यूजिक सुन रही थी, अभी फिर इतनी आवाज़ में सुन रही है? मैं अभी देखता हूँ, मेरा डंडा कहाँ है? मैं भी साथ जाती हूँ तुम्हारे। क्या बात है कौओ, चील दी, आप यहाँ कैसे? ये घर मैंने चिड़िया से खरीद लिया है, और ये डंडा लेकर तुम यहाँ क्या करने आए हो? कुछ नहीं चील दी, हम पड़ोसी हैं आपके, अगर कोई काम हो तो बता देना। भाग जाओ यहाँ से, सारे मेरे संगीत का मजा किरकिरा कर दिया। कौवा और कवि वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है, चील म्यूजिक की आवाज़ और भी तेज कर देती है। कालू, वो चिड़िया हमसे भी दो कदम आगे निकली, अपना घर चील दीदी को बेच गई। ओरी, चिड़िया बहुत अच्छी थी, मैं जाता हूँ चील दीदी से विनती करता हूँ कि थोड़ी म्यूजिक की आवाज कम करे। कौवा जाता है। कौवे, इस समय क्या बात है? चील दी, अगर आप म्यूजिक की आवाज थोड़ा कम कर दे तो बहुत अच्छा होता। मैं अभी कम करती हूँ। इतना बोलकर चील कौवे की धुलाई करने लगती है। गलती हो गई चील दी, मुझे छोड़ दे, भाग जाओ यहाँ से। मुझे ऊंची आवाज में ही म्यूजिक लगाकर नींद आती है। फिर कौवा और कवि दूसरे दिन ही उस घर को छोड़ देते हैं और पुराने घोंसले में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसका हमेशा बुरा होता है।